नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। देखिए, 2 जून से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा और भारत अपना पहला मैच आयरलैंड के साथ खेलेगा 5 जून को। लेकिन अब देखिए, वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा का एक धमाकेदार इंटरव्यू सामने आया है, जहां पर उनसे तमाम सवालों के जवाब दिए गए। और जब सवाल किया गया उनसे और भी क्रिकेट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ साल और क्रिकेट खेलूंगा, जिससे ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि साल 2027 में जो वनडे वर्ल्ड कप होगा, वहां पर भी आपको रोहित शर्मा नजर आ सकते हैं। अब हालांकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा है कि मैं 2027 में वर्ल्ड कप खेलूंगा, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने जेस्चर दिया, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए कि अभी और भी सालों तक मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2027 हालांकि काफी दूर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो आपको वनडे वर्ल्ड कप खेलते नजर आएंगे। उनसे कप्तानी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि जब विराट के बाद कप्तान बनाया गया तो काफी चैलेंजिंग था वो दौर, क्योंकि आप एज अ कैप्टन टीम के होंगे और ये बड़े गर्व की और सम्मान की बात है कि मुझे कप्तान के तौर पर बनाया गया टीम इंडिया का। और उन्होंने कहा कि मेरे करियर में कई सारी ऐसी चीजें थी जो काफी अच्छी थी, लेकिन जब उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में होता है तो आपको कई सारी सबक जो है वो सिखाकर जाता है। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि कप्तानी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आप कप्तान हैं टीम इंडिया के, और जब आपको कप्तानी मिलती है तो आपको टीम को साथ में लेकर चलना होता है। एक टीम ही आपको ट्रॉफी जिता सकती है, तो आपका जो मूल मंत्र होता है, जो आपका बेसिक आपका अचीवमेंट होता है, वो होता है कि आपको ट्रॉफी मिलनी चाहिए। आप पर्सनल माइलस्टोन और पर्सनल रिकॉर्ड्स नहीं बना सकते हैं, आप जब तक ट्रॉफी नहीं दिलाएंगे तब तक आपका अचीवमेंट जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहां पर रोहित शर्मा ने यह संकेत दे दिए हैं कि आपको साल 2027 में शायद वो वनडे वर्ल्ड कप खेलते नजर आएंगे। हालांकि पिछले साल की बात करें तो वहां पर क्रिकेट काफी अच्छा खेला गया था, वो यूनिटी नजर आई थी, टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा था, चाहे वो विराट कोहली की बात करें, चाहे रोहित शर्मा की बात करें, चाहे केएल राहुल की बात करें, या फिर बॉलर्स की बात करें, तो शमी, बुमराह सबने अपना अच्छा अच्छा योगदान दिया था। और भले ही वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन यहां पर टीम के खिलाड़ियों ने सबका दिल जीता, वो फॉर्म नजर आई थी। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप नजदीक, साल 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था और साल 2024 आ गया, यानी कि 17 साल का जो गैप था वो पूरा नहीं हो पाया था। क्या रोहित शर्मा साल 2024 की ट्रॉफी टीम इंडिया को दिला पाएंगे? सवाल बड़ा इसलिए भी है क्योंकि साल 2007 में वो टीम का हिस्सा थे, 16 रन पे 30 रन का वो कैमियो पारी उन्होंने खेली थी नंबर 6 नंबर 7 पर आके। अब देखिए, टीम इंडिया के कैप्टन है। अब देखिए, रोहित शर्मा जो है वो टीम के लिए ओपन करते हैं, और ओपनिंग जब पार्टनरशिप एक बिल्ड हो जाती है, आई थिंक रोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं जान सकता। लेकिन क्या रोहित शर्मा, अब देखिए, साल 2007 में टीम का हिस्सा थे, साल 2024 में भी टीम का हिस्सा है, एज अ कैप्टन वो खेलते नजर आएंगे, तो क्या रोहित शर्मा टीम इंडिया को 17 साल का जो सूखा है T20 वर्ल्ड कप का वो दिला पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि खबर मिस ना होने पाए।